दोस्तों स्वागत है आपका अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं है तो आपको फुटमार्क क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। फुटमार्क क्रीम के मैं यूजेस, साइड इफेक्ट और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों फुटमार्क क्रीम है तो 15 ग्राम के पैक में मार्केट में अवेलेबल है और इसकी 15 ग्राम पैक की कीमत है 65 रुपये और ये लिपफुट कंपनी का ब्रांड है। तो चलिए दोस्तों इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट सब कुछ देख लेते हैं। दोस्तों फुटमार्क क्रीम में कंपनी ने यूरिया, लैक्टिक एसिड, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल एंड लिक्विड पैराफिन डाला हुआ है। दोस्तों इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो ये है एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। इसका इस्तेमाल है तो आपके पैर में होने वाली दरार से आपको राहत मिलाता है। अगर आपके एड़ियों में दरार पड़ गई है, चीरिया पड़ गए हैं तो उस कंडीशन में आप है तो इसको एज अ रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं। इसका ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है लिपफुट कंपनी का। और दोस्तों आपको बता दो ये है तो एक जेनरिक मेडिसिन है, आप इसको तो काउंटर पर जाकर ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये है तो एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। इसको आप है तो एड़ियों के साथ साथ अगर आपके हाथों में भी चीरिया पड़ गए हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से इसके साइड यूजेस है वैसे ही इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। दोस्तों अगर इसको लगाने के बाद आपके पैर पे खुजली आ रही है या फिर पैर एड़िया दुख रही है तो आप उस कंडीशन में इसको लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों इसको लगाने के तरीके की अगर हम बात करें तो आप है तो अपना पैर अच्छे से धोने के बाद उसको किसी कपड़े से साफ़ करने के बाद इस क्रीम को एज अ रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं, यानी कि जितने आपके एरिया फटी हुई है वहाँ तक आप इसको लगा लीजिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू फुटमार्क क्रीम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए।